सभी साथियों को जय हिंद। बिहार में शिक्षक बनने के लिए किस तरह से 10-10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, इस वीडियो में आप साक्ष्य के साथ देख लीजिए। आपको बता दें कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताया जाता है। तो क्या बिहार में बवाल चल रहा है, पूरा इस वीडियो में आपको हम दिखाने वाले हैं। उसमें ये पाया गया है कि जो आर्थिक अपराध इकाई ने जो लैपटॉप प्रिंटर मोबाइल जो जब्त किया है हजारीबाग से, वो परीक्षा शुरू होने से पहले, लेकिन जो रिपोर्ट दी गई है बीपीएससी को जानकारी दी गई है वो परीक्षा के दिन यानी 15 मार्च को 2:30 बजे में, तब तक बीपीएससी कहना है कि 12 बजे तक परीक्षा खत्म हो गई थी। ऐसे में बीपीएससी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है और किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है। अब बीपीएससी ने फिर से आर्थिक अपराध इकाई से साक्ष्य मांग दिया है कि पूरे ठोस साक्ष्य मिलने के बाद ही परीक्षा रद्द होगी। ऐसे में जो बिहार के अभ्यर्थी है जिन्होंने परीक्षा दिया था, तो वो अब कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं आयोग के रवैये से, क्योंकि जो अभ्यर्थी है वो कह रहे हैं मेरिट का कत्ल हो जाएगा अगर जो है परीक्षा रद्द नहीं होती है, क्योंकि लीक को लेकर जिस प्रकार से आर्थिक अपराध इकाई ने जो सबूत दिए है और जिस प्रकार से एडमिट कार्ड के ऊपर जो है एक तरह से आंसर लिखा हुआ है, ये तमाम चीज वायरल होने के बाद अब अभ्यर्थी जो है अब नाराज है और राजनीति भी तेज हो गई है। रजनी जरा ये बताइए जो बीपीएससी बार बार कह रही है कि ठोस सबूत दीजिए, ईओयू की तरफ से सबूत रखे गए हैं, ठोस सबूत बीपीएससी किसे मान रही है, किस तरह का ठोस सबूत उसे चाहिए? इसमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बीपीएससी के जो सचिव है या अध्यक्ष है उनका ये कहना है कि जब आर्थिक अपराध इकाई की जानकारी मिल रही है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है या सोलवर गैंग जो है हजारीबाग में जो है उत्तर रटाने के लिए जो है तैयारी किया था, जब पुलिस की रडार पर ऐसे सोलवर गैंग थे तब आयोग को सूचना परीक्षा से पहले क्यों नहीं दी गई? जब परीक्षा खत्म हो जाती है और 2:30 बजे सूचना मिलती है आयोग को, यानी 12 बजे के बाद 2:30 बजे की जो है सूचना मिलती है, ऐसे में किसी भी स्तर से ये लीक बीपीएससी नहीं मान रहा है, तो आर्थिक अपराध इकाई और बीपीएससी दोनों के जो बीच है कहीं ना कहीं अब तालमेल का अभाव दिख रहा है। और अब आर्थिक अपराध इकाई जो है किस प्रकार का ठोस साक्ष्य देगा बीपीएससी को, ये डिपेंड करता है। लेकिन उबाल शुरू हो गया है, जो अभ्यर्थी है लाखों की संख्या में जो टीचर बनने के लिए इम्तिहान दिए थे, रजनीश की जो कहा जा रहा था कि भाई अगले 24 घंटे में ये परीक्षा रद्द हो जाएगी, अब उस पर भी संशय है, पहले तो परीक्षा रद्द होती है या नहीं होती है, ये सब कुछ अब ईओयू और बीपीएससी के बीच साक्ष्यों पर जाकर टिक गया है। बिल्कुल, देखिए सब कुछ जो है एविडेंस पर है, और हालांकि जो प्राइमा फेसी देखा जाए जो सरकम स्टांसेज है उसके आधार पर जो रिपोर्ट है वो पर्याप्त है, अगर आयोग चाहे तो इसी आधार पर परीक्षा को रद्द कर सकता है। लेकिन आयोग का साफ कहना है कि इस साक्ष्य को हम नहीं मान रहे हैं और कथित रूप से लीक की बात कही जा रही है, कथित बार बार जो